नमस्कार दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा है टैपिंग का मूल्यांकन, इसका अब लास्ट टॉपिक रहा है अपने पास। जब कोई साझेदार या कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यापार को परचेज करता है और दूसरे व्यापार को परचेज करते समय वो ख्याति की वहाँ पे कितनी राशि दे रहा है तो उसे कैसे निकाला जाता है। मान लो आपने किसी व्यापार को खरीदा और व्यापार की शुद्ध संपत्तियाँ, और शुद्ध संपत्तियाँ कैसे निकाली जाती है, कुल संपत्तियों में से वही है तो घटा दे तो शुद्ध संपत्तियाँ निकाली जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति व्यापार को खरीदते समय अगर उसकी शुद्ध संपत्तियों से ज़्यादा रुपये देता है तो जितना वो ज़्यादा देता है वो ख्याति का मूल्य होता है। मान लेते हैं किसी व्यापार की संपत्तियाँ 2 लाख हैं और उसके जो दायित्व हैं वो 50,000 हैं, तो 2 लाख में से पहले क्या करोगे आप 50,000 को घटा दोगे तो 1,50,000 आपकी शुद्ध संपत्तियां कहलाएगी, 1,50,000 आपकी शुद्ध संपत्तियां कहलाएगी। और शुद्ध संपत्तियां 1.5 लाख होगी, आपने चुका दिया 2.5 लाख, तो 2.5 लाख में से 1.5 लाख घटा दो, आपको चुकाने थे 1.5 लाख, आपने चुकाए 2.5 लाख, तो 1 लाख बचा। ये मान लो आपने जो 1 लाख रुपए दिए हैं वो ख्याति का मूल्य दिया है, क्योंकि आपके पास जो शुद्ध संपत्तियाँ आई है वो तो 1.5 लाख की आई है, लेकिन आपने उसका पेमेंट जो किया है वो आपने 1 लाख ज़्यादा किया है, तो वो 1 लाख किस लिए दिया गया, वो 1 लाख ख्याति का मूल्य दिया गया है, एक्स्ट्रा दिया गया है। तो जब अपने व्यापार को क्रय करते हैं तो व्यापार को क्रय करते समय और ख्याति का जो मूल्य निकाला जाता है उसका फॉर्मूला होता है ख्याति बराबर व्यापार का क्रय मूल्य माइनस में शुद्ध संपत्तियां। व्यापार का क्रय मूल्य माइनस में शुद्ध संपत्तियां, व्यापार के क्रय मूल्य में से क्या करते हैं अपने शुद्ध संपत्तियों को घटा देते हैं तो ख्याति का मूल्य आ जाता है। कहने का मतलब मान लो किसी व्यापार की कुल संपत्तियां यानी टोटल असेट्स बराबर 2 लाख है, टोटल असेट्स कितनी है 2 लाख और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज बराबर 50,000, परचेज कंसिडरेशन ढाई लाख, तो आपको गुडविल निकालनी है, तो गुडविल टोटल असेट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, टोटल असेट दे रखी है 2 लाख, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कितनी दे रखी है 50,000, परचेज कंसिडरेशन दे रखा है 2.5 लाख और गुडविल आपको निकालना है, तो परचेज कंसिडरेशन हो गया क्रय मूल्य। अब आपको ख्याति का मूल्य निकालना है तो पहले क्या करना, आपको शुद्ध संपत्तियां यानी नेट असेट्स निकालनी पड़ेगी, नेट असेट्स। तो नेट असेट्स का फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स माइनस में टोटल असेट्स माइनस में एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। नेट असेट्स बराबर टोटल असेट्स माइनस में एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। टोटल असेट्स कितनी आई है 2 लाख, माइनस में एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कितनी है 50,000, तो 2 लाख में से जब 50,000 तो कितने बचे 1,50,000, तो नेट असेट्स आपकी कितनी आ गई 1,50,000। अब आपको गुडविल निकालनी है, गुडविल बराबर व्यापार का क्रय मूल्य जो परचेज कंसीडरेशन दे रखा है 2.5 लाख
इसमें से क्या निकालना है, व्यापार का करेंगे तो कितना हो जाए आपका 2.5 लाख, शुद्ध संपत्तियां कितनी है 1.5 लाख, तो इसमें से शुद्ध संपत्तियां घटा दो 1.5 लाख, तो गुडविल आपकी आ गई 1 लाख, गुडविल कितनी आ गई 1 लाख। तो जब व्यापार को क्रय करते वक्त आप खाती का मूल्य निकालोगे तो उसका सूत्र कहेगा व्यापार का क्रय मूल्य माइनस में शुद्ध संपत्तियां, तो व्यापार का क्रय मूल्य जितना चुकाएंगे उसमें शुद्ध संपत्तियों को लेस कर देंगे तो शेष कहेगा खाती का मूल्य आएगा। तो इसमें व्यापार का क्रय मूल्य कितना है 2.5 लाख रुपए, शुद्ध संपत्तियां कितनी होगी टोटल असेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को क्या कर देते हैं घटा देते हैं, टोटल असेट्स अपनी 2 लाख, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है 50,000, 2 लाख में से 50,000 घटाएंगे तो शेष कितना बचा 1.5 लाख, तो नेट असेट्स आपकी 1.5 लाख बच गई। तो गुडविल का फॉर्मूला व्यापार का क्रय मूल्य 2.5 लाख माइनस कर दो नेट असेट्स 1.5 लाख, 1 लाख आपका गुडविल का मूल्य आ गया। कहने का मतलब आपने जो 1 लाख रुपए ज्यादा दिए हैं वो किस लिए दिए हैं, गुडविल के लिए। ये अपनी ख्याति की कैलकुलेशन करने की या ख्याति मूल्यांकन की सारी विधियां हो गई है। आगे जो अपना टॉपिक है वो है ख्याति का लेखांकन, कि जब न्यू पार्टनर फर्म में आएगा, जब न्यू पार्टनर फर्म में आएगा तो वो ख्याति की राशि लाएगा या उसकी ख्याति की राशि डिसाइड कर दी जाएगी, जो हो सकता है कि वो अभी ना दे वो बाद में दे, तो उसका हमें लेखा करना पड़ता है, ख्याति का लेखांकन, उसकी एंट्रियां करनी पड़ती है। और एंट्रियां कैसे की जाती है आज अपना वो टॉपिक है ख्याति का लेखांकन। पहले क्या था ख्याति का मूल्यांकन, अब क्या है ख्याति का लेखांकन। अब ख्याति का मूल्यांकन या ख्याति का लेखांकन, मूल्यांकन से तो हम सिर्फ ये निकालते हैं कि ख्याति फर्म की है कितनी और हमें न्यू पार्टनर से कितनी ख्याति देगी। ख्याति के लेखांकन में हम उनका लेखा करते हैं कि न्यू पार्टनर कितनी ख्याति लाया है तो उसका लेखा क्या होगा। तो नया पार्टनर ख्याति के लिए दो बातें कर सकता है, एक तो वो ख्याति की राशि नगद में ले आए, ठीक है हमने उसकी जो ख्याति पहले से तय कर दी है वो क्या है वो नगद लाए, एक हो सकता है कि वो नगद में ना लाए, हमें उसके करंट अकाउंट से उसे एडजस्ट करना पड़े। चाहे नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाए और चाहे नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में ना लाए, दोनों ही दशाओं में पहले आपको ये देखना पड़ता है क्या ख्याति खाता पुस्तकों में पहले से विद्यमान है। देखो कुछ फर्में ऐसी होती है जो गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाती है और कुछ फर्में ऐसी होती है जो गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाती, यानी उनका मानना ये होता है कि गुडविल एक आदर्श संपत्ति है तो इसकी रियल में तो कोई वैल्यू है नहीं, कि हम खाली गुडविल को अगर बेचना चाहें तो इससे हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, इसलिए उसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहिए। कुछ फर्में ऐसा मानती हैं, जबकि कुछ फर्में ये मानती हैं कि जब बिजनेस बेचते हैं तो बिजनेस के साथ हमें गुडविल की वैल्यू भी प्राप्त होती है तो हमें गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए। तो अगर ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान हो यानी बैलेंस शीट में पहले से दिखाया हो तो पहला कार्य आपका ये होता है कि आपको उसे बंद करना पड़ता है, यानी सबसे पहला कार्य आपका ये है कि आपको गुडविल अकाउंट को पहले से बंद करना पड़ेगा, आगे फिर गुडविल की एंट्री करनी पड़ेगी। इससे भी पहले कई बार ऐसा भी होता है कि नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में तो लाता है लेकिन ये कह देता है कि आप इसका कोई लेखा पुस्तकों में मत करो। जब ख्याति खाते को पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता, जब ख्याति खाते को पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता तो ख्याति की राशि पहले से अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये कहे कि ख्याति खाता पुस्तकों में दिखाया तो पहला काम आपका क्या है उसे बंद करना है, चाहे नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाए या फिर चाहे नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में ना लाए, दोनों ही दशाओं में पहले वाला ख्याति खाता तो बंद करना है, वो तो करना ही करना है। अगर मान लो आपको ये कहते साथ में कि नया साझेदार ख्याति की राशि नगद तो ला रहा है लेकिन हमें उसका कोई लेखा पुस्तकों में नहीं करना है तो आप क्या करोगे, ख्याति संबंधी कोई भी एंट्री
खाते संबंधी कोई भी एंट्री पुस्तकों में नहीं करोगे, लेकिन पहले से जो ख्याति खाता खुला है उसे आपको बंद करना होगा। लेकिन नया साझेदार जो ख्याति की राशि लाया है नगद में, उसके लिए आप कोई भी लेखा नहीं करोगे। तो जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाए और उसे पुस्तकों में नहीं दिखाना हो, तो आपको इसकी कोई प्रविष्टि नहीं करनी। दूसरी बात, अगर ख्याति की राशि नगद में लाए और प्रविष्टियां की जाए, तो फिर आपको क्या करनी पड़ती है, उनकी एंट्री पुस्तकों में करनी पड़ती है। तो अब अपने नया टॉपिक शुरू करते हैं, ख्याति का लेखांकन। ख्याति का लेखांकन, ख्याति का लेखांकन सबसे पहले इसमें पॉइंट है, देखो, यदि नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि का पुस्तकों में यदि नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि का पुस्तकों में कोई लेखा न करना हो, या इसको ऐसे बोल देते हैं, यदि नए साझेदार द्वारा पुराने साझेदारों को ख्याति की राशि सीधे ही चुका दी जाए। यदि नए साझेदार द्वारा पुराने साझेदारों को ख्याति की राशि सीधे ही चुका दी जाए, सीधे चुकाने का मतलब यह है कि इसकी कोई प्रविष्टि नहीं करनी आपको। वो कहेगा ठीक है, आपका जितना ख्याति का मूल्य बनता है आप वो मेरे से फर्म से बाहर ही ले लो और उसका कोई लेखा मत करना। तो इसमें तो आपको क्या करनी है, नो एंट्री, यानी कोई भी एंट्री नहीं होगी, कोई भी एंट्री नहीं होगी। यदि नए साझेदार द्वारा पुराने साझेदारों को ख्याति की राशि सीधे ही चुका दी जाए, तो इसकी कोई भी प्रविष्टि नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात, अब ये हो सकता है कि नया साझेदार ख्याति की राशि फर्म में लाए। यदि नया साझेदार ख्याति की राशि फर्म में लाए, उसमें आपके सामने दो सिचुएशन आ सकती है। एक ये कि जब नया साझेदार ख्याति की राशि फर्म में लाए, उस समय ख्याति खाता पुस्तकों में न खुला हुआ हो, और ये भी हो सकता है कि ख्याति खाता पुस्तकों में खुला हुआ हो। जब नया साझेदार ख्याति की राशि फर्म में लाए, तो उस समय ख्याति खाता पुस्तकों में खुला हुआ हो या फिर न खुला हुआ हो। अगर पहले से ख्याति खाता फर्म में खुला हुआ हो, तो आपको क्या करना है, पहले से खुले हुए ख्याति खाते को बंद करना है। यदि पहले से खुले हुए ख्याति खाते को क्या करना है, बंद करना है, और उसके बाद आगे की एंट्री करनी है, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि पहले से ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान नहीं है और नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाता है, तो उसकी एंट्री आपको वहाँ से शुरू करनी है, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि लाने से। अगर मान लो पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है
या विद्यमान है तो उसे पहले आपको क्या करना है, उसे बंद करना पड़ेगा और फिर आप आगे की प्रविष्टियाँ करोगे। तो पहले अपने पहला पॉइंट तो अपना होगा कि यदि नए साझेदार द्वारा पुराने साझेदारों की ख्याति की राशि सीधे ही चुका दी जाए, तो सीधे ही चुका दी जाए तो इसमें आप कोई लेखा नहीं करोगे, आपकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर इसका लेखा किया जाए अब इसमें नंबर एक है देखो, यदि ख्याति खाता पुस्तकों में पहले से विद्यमान न हो, यदि ख्याति खाता पुस्तकों में पहले से विद्यमान न हो, तो पहले से विद्यमान नहीं है तो पहले से विद्यमान नहीं, इसका मतलब ख्याति खाता हमें बंद तो करना ही नहीं है। यदि ख्याति खाता पुस्तकों में पहले से विद्यमान न हो तो हमें ख्याति खाते को बंद तो करना नहीं है। नया साझेदार सबसे पहले क्या करेगा, ख्याति की राशि पहले से विद्यमान होता तो पहले बंद करते, अब क्या करेंगे वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाता है। तो इसमें देखो प्रविष्टियाँ कैसे होगी, पहले नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने पर, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने पर, यदि ख्याति खाता पुस्तकों में पहले से विद्यमान न हो और नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने पर, क्या एंट्री होगी, लाया क्या वो नगद तो आया तो कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने पर एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये नया साझेदार है वो ख्याति की राशि नगद में लाया, कैश लाया तो आया कैश, और वो किस लिए लाया, गुडविल के लिए, तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब क्या करना पड़ता है, नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि को हमें पुराने साझेदारों में बांटनी पड़ती है, और वो किस अनुपात में बटती है, सदैव त्याग के अनुपात में, यानी पुराने साझेदारों द्वारा जितना त्याग किया जाता है, जितना अनुपात क्या है, त्याग दिया जाता है, उस अनुपात में हमें क्या करना पड़ता है, गुडविल की राशि को पुराने साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि नए साझेदारों द्वारा जो ख्याति की राशि लाई जाती है वो केवल किसी एक साझेदार को दे दी जाती है, या एक को छोड़कर अन्यों को दे दी जाती है। हो सकता है कि उस साझेदार ने कोई त्याग ना किया हो, क्योंकि ख्याति की राशि जो बांटी जाती है वो त्याग के अनुपात में बांटी जाती है। ख्याति की राशि जो बांटी जाएगी वो त्याग के अनुपात में बांटी जाएगी, और त्याग का अनुपात मैंने कैसे निकालते हैं, बताया था वो पुराने में से नया घटाते हैं तो त्याग का अनुपात आ जाता है। हो सकता है किसी साझेदार का त्याग का अनुपात जीरो, तो फिर उस समय केवल उसी साझेदार को मिलेगा जिसने त्याग किया है। तो नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने पर उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब ख्याति की राशि पुराने साझेदारों में वितरित करने पर जो नए साझेदार ख्याति की राशि लाया है उस साझेदार को क्या, उस ख्याति को क्या करेंगे, अपने पुराने साझेदारों में वितरित करेंगे, तो उसकी एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट डेबिट।
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ख्याति की राशि पुराने साझेदारों में वितरित करने पर एंट्री क्या बनेगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इस गुडविल को क्या करेंगे? पुराने साझेदारों में बांट देंगे। और किस अनुपात में बांटेंगे? त्याग के अनुपात में। त्याग के अनुपात में। तो ख्याति की राशि पुराने साझेदारों में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो किस अनुपात में किया जाएगा? त्याग के अनुपात में। यानी नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लाया तो नगद लाने पर क्या एंट्री होगी? अपने कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। फिर आपको क्या करना है? उस ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों में वितरित करना है। और जब वो ख्याति की राशि पुराने साझेदारों में वितरित की जाएगी तो वो किस अनुपात में होगी? त्याग के अनुपात में होगी। अब इसके अलावा कई बार आपको देखो, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाता है तो उसमें आपको ये दो प्रविष्टियाँ तो करनी पड़ेगी। पहले नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने पर और फिर उसे पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में वितरित करने पर, दो प्रविष्टियाँ ये करनी है। कई बार ये होता है कि आपको इन दो प्रविष्टियों की जगह एक प्रविष्टि करनी होती है। वो कब? जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में नहीं लाता, ठीक है। लेकिन फिलहाल अपना जो टॉपिक है वो क्या है? नगद ला रही है मान लेते हैं, तो नगद लाने पर ये दो प्रविष्टियां तो करनी है। तीसरी प्रविष्टि उस दशा में करनी है अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ मिले कि पुराने साझेदारों ने फर्म से ख्याति की राशि निकाल ली, यानी उनके हिस्से में जो ख्याति आई वो ख्याति की राशि उन्होंने फर्म से निकाल ली, कि पुराने साझेदारों ने फर्म से ख्याति की राशि निकाल ली, तो उसमें आपको एक प्रविष्टि और करनी है। लेकिन वो करनी कब है? वो उसी दशा में करनी है जब आपको क्वेश्चन में कहा जाए। ये दो प्रविष्टियां तो करनी है अगर क्या हो, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाए, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाए तो उसकी प्रविष्टियां तो करनी है, ये दो। तो तीसरी प्रविष्टि उसी दशा में करनी है जब आपको क्वेश्चन में उसके लिए स्पष्ट इंस्ट्रक्शन मिल जाए। जब आपको क्वेश्चन में क्या हो, उसके लिए स्पष्ट इंस्ट्रक्शन मिले, यानी कि आपको ये कहे कि नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों ने फर्म से निकाल लिया, तो फिर आपको तीसरी प्रविष्टि करनी है। तो पुराने साझेदारों द्वारा ख्याति की राशि फर्म से निकालने पर ख्याति की राशि फर्म से निकालने पर, अब ख्याति की राशि निकाली है लेकिन ख्याति नहीं निकाली, तो ये स्पष्ट है कि जाएगा तो कैश, गुडविल कोई वस्तु नहीं है जो चली जाएगी, तो जाएगा तो उसकी जगह क्या जाएगा? कैश ही जाएगा। और निकालेंगे कौन? पुराने साझेदार। किस अनुपात में? अनुपात वही जिस अनुपात में वो ख्याति उन्हें प्राप्त हुई है, और वो ख्याति उन्हें किस अनुपात में प्राप्त हुई है? त्याग के अनुपात में। तो फिर वो त्याग के अनुपात में जाएगी। तो एंट्री क्या बनेगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये भी एंट्री किस अनुपात में होगी? त्याग के अनुपात में। ये एंट्री भी किस अनुपात में होगी? त्याग के अनुपात में। अब त्याग के अनुपात में प्रविष्टि करेंगे अपने, तो जितने रुपए यहाँ पर लिखे वही रुपए यहाँ पर लिख देंगे।
लेकिन कई बार क्वेश्चन में आपको ये देते हैं कि उन्होंने आधी राशि निकाल ली, या फिर 60% निकाल लिया, या 55% निकाल लिया, 75% निकाल लिया, तो फिर जितना उनके हिस्से में आया तीसरी जो एंट्री है वो उतने परसेंट से करेंगे। कब? यदि ख्याति की राशि फर्म से निकाल ले, सीधा दे दे, तो ये माना जाएगा कि उसने पूरी राशि फर्म से निकाल ली है। लेकिन अगर मान लो सीधा न देकर आपको क्या करे, आपको ये कहे कि 50% राशि फर्म से निकाल ली या 60% राशि फर्म से निकाल ली, तो जितना परसेंट उन्होंने फर्म से निकाला उतने से अपने क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। तो ये हो गया, यदि ख्याति खाता पुस्तकों में पहले से विद्यमान नया हो और नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लाए, तो जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लाएगा तो नगद लाने पर उसकी प्रविष्टि क्या होगी, नगद लाया, आया क्या कैश, लाया किस लिए, गुडविल के लिए, तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यानी उसकी एंट्री क्या करोगे आप, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाए। फिर उस ख्याति की राशि को क्या करेंगे, पुराने साझेदारों में वितरित करेंगे, और किस अनुपात में करेंगे, वो त्याग के अनुपात में करेंगे। त्याग के अनुपात में करेंगे तो उसका लेखा क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, और किस में बांटेंगे, वो ओल्ड पार्टनर में टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो उसकी एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और वो किस अनुपात में होगी, त्याग के अनुपात में। फिर है पुराने साझेदारों द्वारा ख्याति की राशि फर्म से निकालने पर, फिर मान लो पुराने साझेदार वो ख्याति की राशि फर्म से निकाल लेंगे, तो फर्म से निकालेंगे तो निकालने की एंट्री क्या होगी, देखो जब फर्म से निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, कैश निकलेगा, तो कैश निकालने की एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल को तो क्या करेंगे अपने, डेबिट करेंगे और कैश निकाल देंगे। तो ये तीसरी प्रविष्टि आपको कब करनी है, जब आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ मिले कि पुराने साझेदारों ने ख्याति की राशि फर्म से निकाल ली, तो जब पुराने साझेदार ख्याति की राशि फर्म से निकालेंगे तो आपको ये प्रविष्टि करनी है, अन्यथा ये प्रविष्टि नहीं करनी है। तो ये अपना हो गया ख्याति का लेखांकन में पहला पॉइंट, यदि ख्याति खाता पुस्तकों में पहले से विद्यमान हो, और उसके अंदर का पॉइंट है जब नया साझेदार ख्याति की राशि फर्म में नगद लाए, यानी इसमें फर्म में क्या कर रहा है, नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में ला रहा है। यदि ख्याति खाता पुस्तकों में पहले से विद्यमान न हो और इसके अंदर है, यदि नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में न लाए, यदि नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में न लाए, यदि नगद में न लाएगा तो फिर उसकी एंट्री देखो, नगद तो वो लाया नहीं है, पहले से विद्यमान है, नहीं तो इसमें एक एंट्री करनी है आपको सिर्फ, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में न लाए, तो नगद में न लाए तो कैश तो आया ही नहीं, हम क्या करेंगे पुराने नए साझेदार के वो राशि नाम लिख देंगे, और नाम लिखेंगे तो कैपिटल अकाउंट के नहीं लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल के नाम लिखने से उसमें उसके जो कैपिटल वो लेकर आया है उसमें से उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, इसलिए नए पार्टनर के क्या करेंगे अपने, डेबिट कर देंगे करंट अकाउंट के, और पुराने साझेदारों में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस अनुपात में, त्याग के अनुपात में, उसे त्याग के अनुपात में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो एंट्री बनेगी अपने न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में नहीं लाएगा तो आपको ये प्रविष्टि करनी पड़ेगी, और दोनों सिचुएशन में ये माना गया है ख्याति खाता पहले से विद्यमान नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, कल अपने इसके एग्जाम्पल करेंगे जब ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान न हो।
और नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाए और न लाए। धन्यवाद।